गुजरात में रहती हूँ। मैं कक्षा 8th में पढ़ती हूँ और हमारे साथ घासें भी खुदवाई जाती हैं, सफाई की जाती है, पोंछे लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और घास भी खुदवाते हैं। बाहर चौड़े में भी नहाते हैं, बाथरूम भी धुलवाते हैं और वहाँ पर कीड़े वगैरह सब निकलते हैं, सांप भी निकले हैं, नौले भी निकले हैं हमारे सामने। और बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बर्रैया भी काट जाती हैं, वहाँ पर खुले स्थान में हम लोग घास काटते हैं तो वहाँ पर बर्रैया वगैरह सब काट जाती हैं। बॉडी तक साफ कराई जाती है हम लोगों के। हाँ, बाथरूम भी साफ किए जाते हैं और मैम कपड़ों पर प्रेस करवाती हैं, कपड़े धुलवाती हैं और सिर भी दिखवाती हैं, मेहंदी लगवाती हैं और खाना वगैरह अगर बनाते हैं तो हमको बनवाती हैं और हमें बाहर चौड़े में नहलाती हैं। और लाइट चली जाती है तो जनरेटर का आधे से जनरेटर नहीं चलता है। और हमारे जो मेनू में 250 ग्राम दूध आता है तो हमको एक चमचा दूध मिलता है पानी का, हमको एक चमचा पानी का दूध मिलता है। और जो फल फ्रूट वगैरह हैं वो भी नहीं आते हैं, अगर आते भी हैं तो दो दो हैं तो एक एक मिलता है। हाथ पैर भी दबाए जाते हैं क्या करते हैं? हाँ, हाथ पैर भी दबाए जाते हैं, फिर हमको मारा जाता है। और अगर हम लोग जल्दी उठ जाते हैं और लाइट नहीं आती है, जनरेटर भी नहीं चलता है, तो जनरेटर नहीं चलता है और लेट हो जाते हैं नल से नहाने में तो बाहर जाते हैं, चैनल गेट लग जाता है, पिटते भी हैं। तो कैसे कैसे मारपीट करते हैं? डंडों से मारते हैं, हाथ पाथ पर कहीं पर भी मार देते हैं, चोटी पकड़ कर खींच कर ले जाते हैं, मारते हैं, सफाई नहीं करते हैं तब भी, अगर बाथरूम गंदे निकल जाते हैं तब भी मारते हैं। तो क्या हर बच्चे के साथ ऐसा होता है? हाँ। तो इसकी शिकायत नहीं कर शिकायत करते हो फिर क्या अगर होता है? शिकायत कर भी देते हैं तो हमको पीछे धमकाया जाता है, मारा जाता है। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कब हुआ है ऐसा, और ज्यादा नहीं मुँह चलता, ज्यादा पीछे की बातें नहीं याद रहती हैं तुमको। नहीं, इसका तुरंत संज्ञान लिया गया है और DC बालिका और हमारी NPRC एक महिला है उनके द्वारा वीडियो की जांच कराई जा रही है और जो भी इसमें दोषी शिक्षिका है उनके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। क्या ये गुटबाजी के टीचर गुटबाजी के कारण हो रहा है? हाँ, ऐसा भी सुनने में आया है कि टीचर्स की आपस में गुटबाजी भी है, इसलिए जो टीचर्स गुटबाजी में भी शामिल होंगे उनको यहाँ से उच्च अधिकारियों के परमिशन से उनको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कितना समय लगेगा कार्रवाई में? ये जांच हमारे पास 2-3 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और तत्काल ही हम इसमें रिपोर्ट मिलते ही तुरंत कार्रवाई करेंगे, उसमें देर नहीं लगेगी।